हेलो स्टूडेंट, दिस इज रुपेश। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का क्लास रहेगी एडियो की, जो कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी का क्लास रहेगा। ओके, मॉडल प्रश्न पत्र 5वां है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ग्रामीण विकास की फ्लेक्सिंग योजनाएं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 30 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम एडियो में होने वाला है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस आपको कराया जाता है। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहेगा। और भी बाकी का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाइए और जाकर वहां आप बाकी का वीडियो देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान की जानकारी, कंप्यूटर के प्रश्न, बहुत सारे रीजनिंग क्लासेस हो चुकी है और थ्योरी क्लासेस भी हो चुकी है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो स्किप कर सकते हैं, यह हमारा काम है आपको मोटिवेशन देना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 21 मई 2020। साथ में आप कॉपी और पेन नोट करके चलिएगा, साथ में कॉपी रख लीजिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया है, तो 21 मई 2020 को। मैं आप सभी को ग्रामीण विकास की फ्लेक्सिंग योजना, यानी कि ग्रामीण विकास से संबंधित क्लासेस करा रहा हूँ। यह क्लास 5वां है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ किन अन्य फसलों को शामिल किया गया है? तो आप बता सकते हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के साथ 13 अन्य फसलों को शामिल किया गया है। कितना फसल शामिल किया गया है? 13 अन्य फसल शामिल किया गया है। यह करंट अफेयर भी है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित क्लास चल रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और नए स्टूडेंट एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तीसरा प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल को शामिल नहीं किया गया है? तो आप सभी को पता है कि फसल से संबंधित मैं क्लासेस करा चुका हूँ, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, डी, सरसों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल है जिसे शामिल नहीं किया गया है, वो है सरसों। और गन्ना, रागी और कुटी को, तीनों को ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बदले अन्य फसल उगाने की कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो धान के बदले अन्य फसल उगाने पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो आपका कितना आ जाएगा, 6वां क्वेश्चन का डी, 10,000 रुपये। जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बदले अगर आप धान उगाते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, 6,000 रुपये। अगर आप धान उगाते हैं तो आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर धान के बदले बोला गया है, तो अन्य, अगर आप धान के बदले अन्य फसल उगाते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 2022 में या 23 में सालाना इन वर्गों के लोगों को कितने रुपए अनुदान दिया जा रहा है? तो इसका आंसर बी होगा, कितना दिया जा रहा है, 7,000 रुपये। अगर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बोला है, तब भूमिहीन बोलेगा तो 7,000 रुपये, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अगर बोला जाए तो 6,000 रुपये दिया जाएगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ आप कितना पैसा दिया जाता है, आप गलत करके आते हैं। राजीव गांधी किसी भूमिहीन बोला गया है ना, तो भूमिहीन के जगह आपको 7,000 डालना है, जबकि किसान न्याय योजना बोलेगा तो 6,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत कौन से वर्ग इस योजना में लाभ के लिए पात्र नहीं होगा? अब लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, देखिए यहाँ पर भूमिहीन बोला गया है, याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं है, तो वो आप सभी को पता है कि कृषि भूमि वाले परिवार लाभ के लिए पात्र नहीं है, इसका आंसर डी होगा। और कौन कौन लाभ के लिए पात्र हैं, तो आप देखिए, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर है लेकिन परिवार नहीं है,
परिवार शामिल नहीं होगा जबकि मजदूर शामिल हो सकता है। बी भी सही है, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, पुरोहित, ये राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए वर्ग योजना के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पौनी पसारी व्यवसाय से जुड़े परिवार भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि वाले परिवार लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 9, गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया? गोधन यानी कि गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया है? 20 जुलाई 2020 को। याद रखने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गोधन देखिए न्याय योजना कब, जैसे कृषि की जाती है कब की जाती है? जुलाई महीनों में कृषि की जाती है, बरसात के मौसम में, ठीक है। तो आप देखिए गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ की गई है, तो आप बताएंगे 20 जुलाई 2020। 20 याद रखना, 20 जुलाई बोला गया है, 20 को और 2022 है ना, तो यहाँ पे सॉरी 2020 है ना, 2020 है, तो 20 यहाँ हो गया और यहाँ 20 हो गया, मतलब आपको याद रखना है कि 20 20। तो गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया है? तो गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के तहत कितने रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को गोबर खरीदा जा रहा है? किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है तो कितना रुपये आएगा? गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये की दर से प्रति किलो में किसानों को गोबर खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद कर उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर कितने रुपए सरकार बेचेगी? अब देखिए सबसे पहले तो किसानों से गोबर खरीदा जा रहा है कितने रुपए किलो में? 2 रुपए किलो में, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से प्रति रुपए 2 रुपए में खरीदा जा रहा है, जबकि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद के उसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर कितने रुपए में सरकार बेच रही है? 10 रुपए किलो में। कितने रुपए में? 10 रुपए में। कमेंट करें कितने रुपए में? 10 रुपए में। हाँ बिल्कुल, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली आपको क्लासेस कराई जाएगी, दोपहर 12 बजे की क्लास लगती है और शाम 6 बजे और 9:30 बजे की क्लास लगती है। नया बैच चल रहा है, जो लोग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाकर आप जुड़ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद की बिक्री इसके माध्यम से की जाएगी, तो किसके माध्यम से की जाएगी? तो गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद की जो बिक्री है किसके माध्यम से की जाएगी? सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री होगी। किसके माध्यम से होगी? सहकारी समितियों के माध्यम से, ओके। गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद की जो बिक्री है वह सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा, ना कि प्राइवेट दुकानों में खुली बिक्री होगी, ना ही उचित मूल्य दुकानों में बिक्री होगी और ना ही महिला स्व सहायता समूह के द्वारा बिक्री होगी। केवल होगी तो किस में होगी? सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जी? यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन करें। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि राजीव युवा मितान क्लब योजना, याद रखिए राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत कितने उम्र के युवाओं को शामिल किया गया है? तो कितने उम्र के युवाओं को शामिल किया गया है? चलिए बताइए 15 से 40 वर्ष। राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत 15 से 40 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत याद कर लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल, ग्रामीण विकास की क्लासेस चल रही है, ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजनाएं से जो पूछे गए सवाल है तो मैं अपने थ्योरी क्लासेस से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना के तहत किन किन फसलों को शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना के तहत किन किन फसलों को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर डी होगा, कोदो, कुटकी और रागी। क्या होगा? कोदो, कुटकी और रागी, जो कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना के तहत फसलों को शामिल किया गया है, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ ही
स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो कौन सी योजना है लॉन्च की है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चिराग योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, तीसरा है सर्वभौम PDS योजना और चौथा है सी मार्ट स्टोर योजना। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए साथ ही रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है, तो वो है आपका डी, सी मार्ट योजना, सी मार्ट स्टोर योजना। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जो कि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए सी मार्ट स्टोर योजना प्रारंभ की गई है। बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत कब की गई है। तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना की जो शुरुआत हुई है कब की गई है, वह 2 अक्टूबर 2019 को, जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थडे है, मतलब जन्म दिवस है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना की शुरुआत अब याद रख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 17वां क्वेश्चन, सस्ता चौं सबो सेती खुशी वगैरह चारों कोती किस योजना का नारा है। तो आप बताइए किस योजना का नारा है, तो 17 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सी होगा, सर्वभौम PDS योजना। कौन सी है, सर्वभौम PDS योजना, जो कि सस्ता चौं सबो सेती खुशी बगरेंगे चारों कोती इस योजना का नारा सर्वभौम PDS योजना से प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में सर्वभौम PDS योजना की शुरुआत कब की गई है, 2 अक्टूबर 2019। आप सभी को ये अभी पिछले वीडियो में कराया हूँ, मैं अब भी जस्ट कराया हूँ। छत्तीसगढ़ में सर्वभौम PDS योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 2 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, है ना, क्वेश्चन आपको घुमाएगा एग्ज़ाम में, आपको घुमा कर ही पूछेगा एग्ज़ाम में। इसीलिए आपको मैं थ्योरी क्लास भी करा चुका हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो डेली वीडियो पर बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाएं, वर अन्यथा आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। चलिए 19वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ है। तो कौन से जिले से हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रारंभ हुआ है, तो कौन से जिले से किया गया है, तो वह है आंसर, जल्दी बताइए, बस्तर जिला है, जो कि हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रारंभ किया गया है। देखिए अगर मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से आपको प्रश्न रहेगा, अब कब प्रारंभ किया गया है, बस्तर, अब स्कूल जाते हैं ना, देखिए हाट बाजार लेकर अब क्या जाते हैं, बस्तर मतलब थैला, याद आ गया जी। हाट बाजार जैसे कि आप बाजार जा रहे हैं, मान लो जाए तो आप बैग वैग पकड़ के जा सकते हैं, बस्तर पकड़ के जा सकते हैं, तो उसी से आपको याद हो जाएगा बस्तर जिले से। ठीक है, प्रश्न 20वां क्वेश्चन है कि चिराग परियोजना के तहत, कौन सी योजना के तहत, चिराग परियोजना के तहत 2022-23 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिराग परियोजना के तहत 2022-23 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो आंसर भी होगा आपका 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई है। 21 क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई है, तो इसका आंसर बी होगा 1 जून 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही एक लाइक करके जरूर जाइएगा। 22वां प्रश्न है आपका, राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अब राजीव मितान है, उस क्लब योजना के तहत सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होना चाहिए, तो जो सदस्यों की संख्या है वह न्यूनतम 20 और अधिकतम
40, न्यूनतम कितना 20, याद रखिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40, ठीक है। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सदस्यों की जो संख्या है न्यूनतम 20 और अधिकतम 40, एग्जाम में अगर न्यूनतम अधिकतम भी दे दिया जाएगा अलग अलग, तो आप याद रखना है कि न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सरकार प्रतिवर्ष कितने रुपए देगी। अब देखिए जो युवा मितान क्लब योजना है उसके तहत सरकार आपको कितने रुपए देगी, तो सरकार आपको कितने रुपए देगी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। कंप्यूटर का क्लास हो चुका है ना, कंप्यूटर का क्लास मैं करा दिया हूँ और सामान्य ज्ञान का क्लास चल रहा है, दोपहर 12 बजे लगती है, दोपहर 12 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास दोपहर 12 बजे। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1,00,000 रुपये, ठीक है। राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत सरकार आपको 1,00,000 रुपये देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है चलिए देखते हैं। किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, बिल्कुल गलत, ठीक है। निम्न कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया है ना, फसल सही कीमत प्राप्त करने किसानों की सहायता देगी, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु, ये भी नहीं होगा। तो आपका डी आंसर बचता है, किसानों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। अब देखिए किसान को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना ये राजीव गांधी किसान योजना के तहत उद्देश्य में नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। और कौन कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन ए बी और सी सही है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, तो आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास करने के लिए तैयार रहें, दोपहर 12 बजे की लगती है। 25 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2022 तक सरकार द्वारा किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, किया जा चुका है पूछा गया है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2022 तक सरकार द्वारा किसानों को राशि कितने रुपए दिया गया है, तो ऑप्शन ए होगा 12,900 करोड़ रुपया, याद कर लीजिएगा, कॉपी आप रखे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, आपको याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले एक बार लगाइए, एक बार सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना वीडियो को और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह लगाते चलना, ठीक है। जितना ज़्यादा बार बार लगाओगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उतना ही आपको फायदा रहेगा। वीडियो को एक बार देख लिए, ठीक है, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर उसी वीडियो को दोबारा देखिएगा और ऑप्शन अपने मन में लगाते जाइएगा कितना नंबर आपका आता है। 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर आता है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 30 में 30 क्वेश्चन करते हो तो वीडियो में एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 30 क्वेश्चन मुझे याद हो गया है, ऐसा कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए 26वां है, गोधन न्याय योजना के तहत 2022 तक कितना गोबर खरीदा गया है। तो सभी को पता है ये आप टीक लगा के नहीं जाना, ये बिल्कुल गलत है, ये डी आएगा आंसर, 72.04 लाख क्विंटल, कितना आएगा 72.04 क्विंटल, जो कि गोधन न्याय योजना के तहत 2022 तक गोबर खरीदा गया है, ठीक है, 72.04 लाख क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण, ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा वृक्षारोपण करने पर कितना प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर पूछा गया है कि जो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना होता है उसके तहत आपको ग्राम पंचायत के द्वारा वृक्षारोपण करने पर कितना प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, तो 10,000 रुपये, कितना दिया जाएगा 10,000 रुपये। 29 क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, सबसे बार बार एग्जाम में आता है भूमिहीन से, कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 2022-23 में प्रथम किस्त के रूप में कुल कितने रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, तो कितने रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है जल्दी कमेंट करें। इसका आंसर बी
बिल्कुल इसका आंसर भी होगा 71.08 करोड़ रुपए। 71.08 करोड़ रुपए है जो कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 2022-23 में प्रथम किस्त के रूप में कुल 71.08 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, यह लास्ट क्वेश्चन था आपका। और जो लोग वीडियो में नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसी आपको लेटेस्ट वीडियो को लेटेस्ट समय पर उपलब्ध कराया जाता है। और यह लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, उसको रिकॉर्ड कर आपको यूट्यूब में अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, लाइव क्लासेस थी उसको अपलोड करके आपको रिकॉर्ड करके, ठीक है ना, यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। बिल्कुल व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, जाके जुड़ जाइए। और बाकी का वीडियो देखना चाहते हैं सामान्य ज्ञान से या एडियो की क्लासेस या छात्रा और शिक्षक की क्लासेस आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, बाकी का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्वेश्चन सेट जरूर लगाइएगा, एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने मन में लगाते चलना। और जितना सही होगा, जितना आपका सही होगा वीडियो में कमेंट जरूर करना, जितना आपका सही होगा वीडियो को कमेंट में जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके जी, चलिए आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे क्लास। चलिए, थैंक यू।